हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हेल्थ टिप्स चैनल को और दबाएं बेल आइकॉन। स्वस्थ और फिट रहने के लिए दौड़ना सबसे फायदेमंद व्यायाम होता है। रोजाना सुबह दौड़ने से आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार होता है, स्टेमिना बढ़ती है, इसके साथ ही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। जब आप सुबह दौड़ के आते हैं भूख लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, साथ ही मांसपेशियां को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर इस दौरान आप ग्लूकोज और प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो मांसपेशियों में चोट लगने और कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या से बचने के लिए सुबह दौड़ के बाद कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन जरूरी होता है। तो आइए जानें उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनका सुबह दौड़ने के बाद सेवन करना चाहिए। नंबर एक, दूध और बादाम। सुबह दौड़ने के बाद बादाम के दूध का सेवन करें। दूध और बादाम दोनों में मौजूद मिनरल और विटामिन आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके लिए एक कप दूध और कुछ बादाम का सेवन करें। नंबर दो, उबले अंडे, एवोकाडो और अनार। दौड़ के बाद उबले अंडे, अनार और एवोकाडो का सेवन फायदेमंद होता है। इनमें कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाकर ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। नंबर तीन, तरबूज से बने सलाद। तरबूज में 90% तक पानी होता है। दौड़ के बाद पसीना बह जाने की वजह से आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए आप दौड़ के बाद तरबूज से बनी सलाद का सेवन करें। नंबर चार, चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क का सेवन दौड़ के बाद मांसपेशियों को रिकवर करने में मदद करता है। नंबर पाँच, ओटमील। ओटमील में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ वजन कम करने में भी मदद करते हैं। साथ ही प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं, जिसकी वजह से इनका सुबह दौड़ के बाद सेवन फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी भरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।